सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीट चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपीट। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अनरसे। तो अनरसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 kg चावल लिया है और इसे मैंने 3 दिन तक पानी में रखा हुआ है। पानी को हमें डेली चेंज करना है, अगर चेंज नहीं करेंगे तो इसमें स्मेल आने लगेगी। तो ये 3 दिन हो चुके हैं तो इसे अब हम पलटा देंगे छन्नी में इसका, ताकि जो पानी है अच्छे से निथर जाएगा। तो ये देखिएगा, हमने इसे पलटा दिया है और पानी भी इसका निथर चुका है। तो एक कॉटन का कपड़ा बिछाकर इसे हम इसमें पलटा देंगे और इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे। जितना भी पानी है चावल में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इस तरीके से। जब पानी एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दिखेगा चावल आपको। तो इसे अब हम मिक्सी में पीस लेंगे। खूब ज़्यादा जार के फुल नहीं डालना है, हाफ जार ही हमें चावल लेना है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से पीस चुका है। इसे हमें चिकना पीसना है और पीसने के बाद में इसे हमें छन्नी में छान लेना है। छन्नी जो है हमें चिकनी ही यूज़ करना है। इसे छानने के बाद में जो इसमें दाने से बचेंगे इसको फिर से हम पीस कर फिर से छान लेंगे। तो इस तरीके से हमें छान लेना है और सभी चावल को हम पीस लेंगे। तो ये देखिए सारा चावल हमने पीस लिया है और ये शक्कर लिया है हमने हाफ के जी। 1 kg चावल में 1/2 kg शक्कर लेना है। शक्कर को भी हमने पीस के छान लिया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में ऐसे ही हम एक डिब्बे में भर के रख देंगे इसे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के भी गूंथ के रख सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही रखूँगी 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद हमने इसे निकाला है। थोड़ा मेरा वीडियो मिस हो गया है रखने का और निकालने का, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखेगा। आप चाहे तो इसे पहले भी दूध डाल के गूंथ के रख सकते हैं, मैंने इसे ऐसे ही रखा हुआ था। तो ये देखिएगा इतना मैंने दूध निकाला है, 5 से 6 चम्मच होगा शायद। तो ये देखिए अब इसमें जितना मतलब अगर आटा सही से गूंथ जाए तो उतना ही हमें दूध डालना है, खूब ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो गीला हो जाएगा तो जो अनरसे हैं अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे डो रेडी कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो जितना दूध मैंने निकाला था वो पूरा लग चुका है। तो इसको मैं ऐसे ही गूंथूंगी, एक डो रेडी हो जाएगा एक। तो ये देखिए इस तरीके से डो बन गया है। तो इसको मैं अभी 2 दिन के लिए रख दूंगी। तो इसको हम ऐसे ही गंजी में रखेंगे ढक्कन बंद करके। तो बहुत ही सख्त आटा गूंथना है, खूब ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो ये हमारा डो रेडी हो चुका है। इसको आप कितने मतलब 1 सप्ताह के लिए भी रख सकते हैं, बट मैं इसे 2 ही दिन के लिए रखूंगी क्योंकि दिवाली में हम बना रहे हैं। आप चाहे तो इसे 15-20 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब मन चाहे तब गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो ये देखिएगा 2 दिन हो चुके हैं तो इसको हमने निकाल लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा डो निकालूंगी औरत में और इसे हम थोड़ा सा मल लेंगे। देखिए बिल्कुल भी लहराया नहीं है और बहुत ही मस्त है डो, एकदम परफेक्ट डो है। तो मैं आपको यहाँ पे छोटे से पेड़ा तोड़ के दिखा रही हूँ और इसको मलते हुए। तो ये देखिए बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं इसमें, इसके मतलब है कि हमारा जो आटा है बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो थोड़ा खसखस हम पेपर में डाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें तिल भी डाल सकते हैं, तिल के भी अच्छे लगते हैं बट खसखस के ज़्यादा बेटर हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फैलाना है, इसमें उंगली से ऐसे करना है तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक ही फैलते जाएगा। इसी तरीके से हम अनरसे बना लेंगे। ये देखिए मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ, अच्छे मस्त पतले पतले बने हैं और बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। तो ये जो मशीन है हमारे पास पुरानी सी रखी है, तो इसमें हम थोड़ा पाव जो ये तेल का इसको रखेंगे इसमें, इसमें जो अनरसे हैं बहुत अच्छे से बनेंगे। मैं अभी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो ऐसे रखना है और बलनी को इसके ऊपर ऐसे ढाँक देना है। उसके बाद में इस मशीन को ऐसे रख कर इसे हल्के हाथों से पुश करना है, खूब ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो अनरसे जो है एकदम पतले बन जाएंगे और टूटने लगेंगे। तो ये देखिए कितना मस्त बना है, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। बिल्कुल हाथ से जो बना है हमने वैसे ही सेम दिख रहे हैं। तो हाथ से हमने 2 बना लिए और मशीन के भी 2 बन चुके हैं, तो दोनों बहुत ही अच्छे बने हैं हमारे अनरसे। ये देखिए अगर खसखस कम होती पेपर में तो थोड़ा चिपक सकता है, इसलिए खसखस की मात्रा हमें ज़्यादा ही लेना है। और जो खसखस वाला जो भाग है उसको हम ऊपर रखेंगे और तेल जो है खूब ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गैस के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और तेल को इस तरीके से डालते रहना है ऊपर, बिल्कुल भी अनरसे को पलटाना नहीं। ये देखिएगा कितने मस्त जालीदार अनरसे बने हैं हमारे और बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। तो इसी तरीके से हम सभी अनरसे को तल लेंगे। इसी तरीके से मैं आपको और एक अनरसा दिखा रही हूँ। तो जो चिकना भाग है उसको हमें अंदर रखना है और जो खसखस वाला भाग है उसे ऊपर रखना है।
नहीं तो अनरसे जो है एकदम से पूरी की तरह फूल जाएंगे। ये देखिए कितने मस्त जालीदार अनरसे बन रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट अनरसे बने हैं हमारे ये। और ये कलर जो है हमने ये डार्क कलर ही तला है, मुझे यही कलर पसंद है। आप चाहे तो इसे वाइट भी तल सकते हैं, बहुत जल्दी निकालना पड़ता है उसे। तो ये देखिए अनरसे आपको इधर से भी कितने प्यारे दिख रहे हैं, और ये कितने जालीदार खस्ता क्रिस्पी अनरसे बने हैं, बहुत ही परफेक्ट अनरसे बने हैं हमारे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन की बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे।